आप सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी भी फोड़ते हैं और माखन चुराते हैं और गोपियां श्री कृष्ण का ओलाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है। जो ये कथा है बाल कृष्ण की, इसको देख कर आप आनंदित हो जाएंगे। बस वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए अभी से। बाल कृष्ण लीला की बड़ी सुंदर कथा है। मेरे कान्हा जी एक दिन तो अपने बाबा नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये बड़ी प्यारी लीला है। अपने बाबा नंद की गोद में बैठकर ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। मैया यशोदा सुंदर थाली में 56 भोग सजाकर लेकर आई। लेकिन कान्हा जी चुपचाप भोजन तो नहीं करते, क्योंकि नटखट है ना कुछ तो बोलते रहते हैं। एक ओर बालकृष्ण बैठे बाबा की गोद में और एक तरफ बलराम जी बैठे हैं। थाली सज गई है और ब्रज रानी यशोदा रसोई के द्वार पर खड़ी हैं। खड़ी खड़ी निहार रही हैं कि मेरो लाला खावेगो, मैं दूर ते देखूंगी। ब्रज के संतों ने इन लीलाओं को बड़े भाव से गाया है कि जे बत श्याम नंद जू की कनिया, जे बत श्याम नंद जू की कनिया, कछु खावत कछु धरती गिरावत। कुछ खा रहे हैं और कुछ नीचे गिरा रहे हैं। कछु खावत कछु नीचे गिरावत, छवि निरखत बाबा नंद जू की रनिया, जेवत श्याम नंद जू की कनिया, जेवत श्याम नंद जू की कनिया, जेवत श्याम नंद जू की कनिया। थोड़ा सा खाते हैं और थोड़ा सा नीचे गिराते हैं। मैया देख देख बड़ी आनंदित होती है। हाय मेरो लाला खाए रहे हैं, हाय मेरो लाला बलिहारी जाऊं। और भगवान बीच बीच में खाते खाते पूछते भी जाते हैं कि बाबा यह वस्तु को नाम का है, या तो का कहावे है, ये कौन सी वस्तु है। बाबा जब तक बताओगे ना है तब तक मैं खाऊंगा ना है। तो बाबा ने कह दिया कि बेटा कनुआ या को नाम है रामचक्रा। बाल कृष्ण कहते रामचक्रा। अब तो महाराज मचल गए। लाला बोले बाबा अब आओ खाओ आप है और दाऊ भैया खाएं, और अब हम नहीं खाएंगे। तो बाबा ने पूछा लाला का बात है गई, मैंने यह वस्तु को नाम ही तो बोलो तो तू नाराज क्यों है गयो। लाला बोले मोको लगे है आप दाऊ भैया से ज्यादा प्रेम करते हो, आपने यह खावे वाली चीज में भी दाऊ भैया को नाम धर दियो रामचक्रा। बाल कृष्ण बोले खाने वाली वस्तु को नाम भी दाऊ भैया के नाम पर धर दियो, और बाबा जब तक मेरे नाम की वस्तु मुंह को नहीं दिखाओगे तब तक भोजन नहीं करूंगा मैं। कहा मेरो नाम को कछु नहीं। बाबा बोले देख कनुआ तू रोवे मत, ये देख ये जो दूसरी कटोरी में वस्तु धरी है ना, यहाँ को नाम है कृष्ण चक्रा। प्रभु बोले बाबा सांची कह रहे हो। बाबा बोले बिल्कुल सांची, यहाँ को नाम कृष्ण चक्रा ही है। अब तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और उठाकर खाने लगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि रामचक्रा और कृष्णचक्रा क्या है। हमारे ब्रज में दही बड़े को दही बड़ा नहीं कहते, बल्कि आज भी कहा जाता है रामचक्रा। और हमारे ब्रज में आज भी इमरती को भक्त कृष्णचक्रा कहते हैं। ये सब इसीलिए रखे गए नाम, ताकि इसी बहाने कम से कम ठाकुर जी का नाम तो लेने को मिल जाए हमें, नहीं तो भोगों में ही पड़ा रहता है जीव। तो कम से कम इसी बहाने राम और कृष्ण का नाम निकल जाए मुख से। तो ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं। ब्रजरानी यशोदा भोजन कराते कराते थोड़ी सी छुकी हुई मिर्च लेकर आ गई, क्योंकि नंद बाबा को बड़ी प्रिय है मिर्च। लाकर बाबा नंद की थाली में एक और रख दी। अब भगवान बोले कि बाबा हमें और कछु ना खानो, ये खवा ये का है, हम ये खाएंगे। तो नंद बाबा डराने लगे कि ना ना लाला ये तो ताता है, तेरा मुंह जल जाएगा। तो भगवान बोले ना बाबा अब तो ये ही खानो है मुए।
खूब ब्रजरानी यशोदा को बाबा ने डांटो कि मैं तुम ये क्यों लेकर आई, तुमको मालूम है ये बड़ा जिद्दी है, ये मानने वाला ना है, फिर भी तुम लेकर आ गई, अब तो गलती हो गई यशोदा माँ ने कहा। ठाकुर जी मचल गए, बोले अब बाकी भोजन पीछे होगा, पहले ये ताताई खानी है मुझे, पहले ये खवाओ बाबा। बाबा पकड़ रहे थे, रोक रहे थे, पर इतने में तो उछल कर थाली के निकट पहुंचे और अपने हाथ से उठाकर मिर्च खा ली और अब ताताई हो गई, वास्तव में ताता भी नहीं, ता था थाई हो गई। अब महाराज भागे डोले फिरे सारे नंद भवन में, बाबा मेरो मुंह जरगाओ, बाबा मेरो मुंह जरगाओ, मुंह में आग लग गई मेरे तो बाबा कछु करो। और पीछे पीछे ब्रजरानी यशोदा नंद बाबा भाग रहे, हाय हाय हमारे लाल को मिर्च लग गई, हमारे कनुआ को मिर्च लग गई, महाराज पकड़ा है प्रभु को और इस लीला को आप देखो सुनो मत बल्कि इसे महसूस करो। लाला को पकड़ लिया छोटे से लाला प्यारे से गोदी में लेकर नंद बाबा रो रहे हैं, अरे यशोदा चीनी लेकर आ मेरे लाला के मुख पे लगा। और इतना ही नहीं बाल कृष्ण के मुख में नंद बाबा फूंक मार रहे हैं। आप सोचो क्या ये सौभाग्य किसी को मिलेगा, जैसे बच्चे को कुछ लग जाती है तो हम फूंक मारते हैं बेटा ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो लाला ठीक हो जाएगा, वैसे ही बाल कृष्ण के मुख में बाबा नंद फूंक मार रहे हैं। देवता जब ऊपर से ये दृश्य देखते हैं तो देवता रो पड़ते हैं और कहते हैं प्यारे ऐसा सुख तो कभी स्वप्न में भी नहीं हमको मिला जो इन ब्रजवासियों को मिल रहा है, तो आगे यदि जन्म देना तो हे प्रभु ब्रजवासियों के घर का नौकर ही बना देना, यदि इनकी सेवा भी हमको मिल गई तो देवता कहते हैं हम धन हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद आपका।